क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01-22-901-701 पर। यम्मी है ना पिज़्ज़ा? Seriously, delicious. यार मन कर रहा है? एक ऑर्डर और रिपीट कर दो। नहीं यार, बस मेरे लिए बस हो गया, पेट भरपूर हो गया मेरा। अरे यार, मैं कोल्ड ड्रिंक लाना ही भूल गई, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। लगता है कोई आया है, मैं देखूँ? हाँ देख लो ना प्लीज। ठीक है। अरे ज्योति जी, आप? ज्योति कौन है? प्रतीक जी हैं। कब आए आप? बस अभी थोड़ी देर पहले पिज्जा खा रहे थे हम लोग। अरे जल्दी आ गए? हाँ वो ऑफिस में एक ही मीटिंग थी तो। ज्योति कोल्ड ड्रिंक लोगी? कोल्ड ड्रिंक नहीं यार, तू एक काम कर, मुझे ना एक कप बढ़िया सी चाय पिला दे। ठीक है। प्रतीक, प्रतीक आया? क्या कर रहे हो? दो बार आवाज लगा दी मैंने। वो मैं कपड़े चेंज कर रहा था। अच्छा ठीक है, एक काम करो, हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बना दो, अदरक वाली एकदम कड़क चाय। अदरक तो शायद नहीं होगा, मैं इलायची वाली बना दूं? इलायची वाली पी तो लेती, लेकिन अदरक वाली मिल जाती तो मजा आ जाता। अरे तो क्या मिलेगी ना, जाओ बाहर से अदरक लेकर। अरे वहां कहां जा रहे हो? वहां जाने का रास्ता वहां है। लेकिन वो मैं ऑफिस से आया हूँ तो कपड़े तो चेंज कर लूं। क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी जाओ। पैसे हैं या दूं? है मेरे पास। जाओ। भावना? हाँ भावना बोल। तुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, जरा देख के बता। अच्छा ठीक है, मैं देख कर कॉल बैक करती हूँ। हाँ चल। बाबूजी पैसे मिल गए? बेटा पैसे मिल गए हमें। बेटा तुम्हारी अम्मा तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। लो अपनी अम्मा से बात करो। कैसे हो प्रतीक? अच्छा हूँ माँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अरे क्या गिराया? कुछ नहीं, वो बर्तन हाथ से फिसल गया। कुछ टूटा क्या? नहीं नहीं सब ठीक है। एक काम ढंग से नहीं कर सकते? हाँ माँ। बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, सब सब ठीक है। आप जल्दी से आप भी ठीक हो जाइए और आराम कीजिए, भी आप सो जाइए। हाँ बेटा अपना ध्यान रखना। आप भी। क्या बात है शारदा? शायद बहू कुछ नाराज थी। मुझे ना येलो वाली ड्रेस ज्यादा पसंद आई है ना, क्योंकि उसका डिजाइन एकदम यूनिक और नया है। सही कहा। चल ठीक है, गुड नाइट, बाय। भावना मैं क्या सोच रहा था कि हम लोग एक नौकरानी रख लें। क्या काम वाली बाई?
खाना हम दोनों को बनाने आता है फिर? दोनों? तुम तो सिर्फ संडे को बनाती हो, और वो भी कभी कभी। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मेरा सारा समय तो इन्हीं कामों में निकल जाता है, तो मैं अपना काम तो कर ही नहीं पाता हूँ। काम काम करके तुम कौन सा तीर मार लोगे? और वैसे भी हम लोगों की इस वक्त पैसों के मामले में कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कोई भी नौकरानी अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई भी नौकरानी 5-7 हज़ार से कम नहीं लेगी। नहीं नहीं, 3-4 हज़ार में मिल जाएगी। तो 3-4 हज़ार कम होते हैं क्या? कम तो नहीं होते हैं, लेकिन इतना खर्चा तो हमारा ऐसे भी हो ही जाता है। तुम ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगाती रहती हो, तो 1,000-2,000, और वो पिज्जा बर्गर। ओ, तो तुम मेरे खर्चों का हिसाब रखते हो? हाँ नहीं नहीं भावना, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ओ हेलो, मैं अपना पैसा खर्चा करती हूँ, तुम्हारा है तुम्हारे बाप का नहीं। और खबरदार, अगर आइंदा से मेरे खर्चे गिनवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लाइट ऑफ करो और सो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे हाँ ठीक है, तुम मुझसे मेरा नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगा। मैं कम इन सर, आई विल टॉक टू हिम। हाँ तुम दे दो नंबर, मैं बात करूंगा। ओके सर, अग्रवाल की फाइल। या अरे भावना बैठो ना। सर आज बहुत काम है। अपने बॉस से बहाने बना रही हो क्या? सर बहाना क्यों दूंगी, मैं था कि अकाउंट्स की बैलेंस शीट बनानी है जो बहुत अर्जेंट है। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट। फिलहाल बैठो। ओके देखो भावना, काम तो करना चाहिए, लेकिन काम के साथ थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। जी वाओ, क्या मुस्कान है। लगता है कॉलेज के दिनों में इस मुस्कान के पीछे काफी सारे लड़के दीवाने हुए होंगे, है ना? सर लड़कों की तो फितरत ही होती है खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ना, पर मैं हमेशा से करियर ओरिएंटेड रही, सो मेरे लिए सब मैटर ही नहीं करता था। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही लड़कियों के पीछे पागल होते हैं, लड़कियां भी दीवानी होती है। इनफैक्ट अगर मैं मेरी बात करूं तो कॉलेज के दिनों में मैं भी काफी सारी लड़कियों का क्रश हुआ करता था, वो भी 15-20, और उनमें से 4-5 तो मेरी काफी गहरी दोस्त भी थी। सर फिर आपको तो फिल्म स्टार होना चाहिए था, इनफैक्ट इतने हैंडसम इतने पॉपुलर तो फिल्म स्टार ही होते हैं ना। Wow. I like your sense of humor. But you know what? फिल्म स्टार्स को सिर्फ चाहा जा सकता है, उसे पा नहीं सकते। मतलब? मतलब कि फिल्म स्टार्स को तुम पसंद तो कर सकती हो, लेकिन पा नहीं सकते। हाँ लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पसंद भी कर सकती हो और पा भी सकती हो। Excuse me, sir. मैं भी देखता हूँ कब तक मुझसे भागती फिरोगे, एक ना एक दिन तो तुम्हें हासिल करके रहूंगा। सर मैं एक काम करता हूँ, मेल करता हूँ प्रपोजल, आप एक बार पूरा प्रपोजल चेक कर लीजिए। हाँ हाँ सर, सेक्शन 80 के तहत टैक्स के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। जी जी मैं अभी मेल करता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन कर लूंगा। जी सर। ओके सर, अभी करता हूँ। जी मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा, क्या यह मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा, क्या यह मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा, क्या यह मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा। अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। कैसा रहा आज का दिन? वैसे ही जैसा रहता है। आज कुछ थकी थकी लग रही हो। हाँ
सुनो तुम आज घर पे ही थे ना? हाँ, क्यों? तो खाना क्यों नहीं बनाया? वो भावना आज काम में इतना बिजी था कि वक्त का पता ही नहीं चला। हम लोग तो लेट ही खाना खाते हैं ना। मैं अभी बना देता हूँ। भावना, भावना सुनो ना, मैं बना दूंगा ना। खाना बनाना होता तो पहले ही बना देते। भावना, वो क्लाइंट से बात करने में इतनी देर हो गई कि वक्त का पता ही नहीं चला। तुम ना सिर्फ अपने क्लाइंट से बात करो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। नहीं भावना, ऐसी बात नहीं है, ये सारी वेजिटेबल मैंने ही चॉप की है। तुम थक गई होगी, मैं बना देता हूँ, छोड़ो। सब्जी चॉप करके रखी थी तो खाना क्यों नहीं बनाया? मसाले कहाँ है? वो उधर, मैं देता हूँ। ये भावना देखो, तुम थक गई होगी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मान जाओ ना। भावना मेरी बात सुनो, मैं बनाता हूँ ना। यहाँ से हटो और मेरा हाथ छोड़ो। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम मुझे करने दोगी? दो, लाओ दो। प्रतीक, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। भावना प्लीज, हाथ छोड़ो। भावना प्लीज मान जाओ ना। हरीश, मेहरा की फाइल कंप्लीट की? बॉस आएंगे तो सीधा मुझे पूछेंगे। भावना जी, बना ही रहा हूं। वो क्या है कि हम मर्दों को तो काम करना पड़ता है, हसीनों की तरह सिर्फ अपनी अदाओं से तनख्वाह तो नहीं ले पाते ना हम। सच कहा आपने हरीश भाई। हसीनों पे तंज कसने से अच्छा होगा कि आप बैलेंस शीट कंप्लीट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिट डाउन गाइस। भावना मेरे केबिन में ना। अच्छा हरीश, वो मेहरा के फाइल का क्या हुआ? हाँ सर, बस मैं फाइनल चेक कर रहा हूँ। चेक करके जल्दी भेजो। हेलो, दैट्स रियली गुड न्यूज। या इट्स ज़ील। ओके बाय। भावना, एक गुड न्यूज है, आज से चैतन्य ग्रुप ऑफ कंपनी भी हमारी कंपनी के साथ जुड़ गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। या इट्स अ गुड न्यूज, सो लेट्स सेलिब्रेट। क्यों ना आज हम लंच पे चले? सर, लंच तो मैं अपने घर से लेकर आती हूँ। देखो, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम अपना काम जल्दी से खत्म करो और उसके बाद हम लंच पे चलेंगे। ओके, आई विल सी यू सून। सर, ये वो राइडर जो आपने एड ऑन करवाया, तो अभी आपका प्रीमियम हो गया है 11,560 रुपए। जी सर। यार, ये वेफर्स के बिना ना सैंडविच खाने का मजा ही नहीं आता है। सर, आप प्रीमियम के लिए चेक दे रहे हैं या कैश? प्रीमियम कौन सा? सर, वो पैसे जो साल। अच्छा अच्छा, वो उसके लिए मैं तुम्हें फोन करूंगा ना यार, बताऊंगा है कब आना है। यार मैं क्या सोच रहा हूँ। जी सर। अगर मैं ये ट्रेडिशनल प्लान की जगह टर्म प्लान ले लूँ तो? सर, उसमें मैच्योरिटी नहीं, आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए। हाँ जी सर। अरे यार, वेफर तो खाओ, पास है। नहीं सर, थैंक यू, मेरा पेट भरा हुआ, आप खाइए। अरे टेस्ट तो करो यार। टेस्ट तो गलत है। थैंक यू। और नहीं सर, थैंक यू, मैं निकलता हूँ सर। अच्छा सर, हेलो, क्या पार्टी चाहिए? अच्छा, वो भी आज? ठीक है, ओके। अच्छा भावना, आज शाम को ऑफिस में पार्टी है, तो तुम एक काम करो कि अपने घर पे कह दो कि तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी। लेकिन सर, मैंने कहा ना आज पार्टी है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओके, मैं हूं ना।
Cheers! आज से चैतन्य ग्रुप ऑफ कंपनी हमारी कंपनी के साथ जुड़ गई है, ये उनके नाम। Cheers, enjoy. Hey, is this for you? Sir, मैं ड्रिंक नहीं करती। Come on, यार, तुम कहाँ उन old fashion वालों की तरह बात कर रही हो? Take it, enjoy yourself. Sir, मैंने पहले कभी ड्रिंक नहीं की है। तो कोई बात नहीं, अब शुरू कर लो। मैं हूँ ना, trust me. No, sorry. भावना, ये शराब उतनी भी बुरी चीज नहीं है जितनी कि दुनिया वालों ने इसे बना के रखा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है और इसे पीने के बाद फुल ऑन कॉन्फिडेंट आ जाता है। कम ऑन, ले लो मेरे लिए। कम ऑन प्लीज, यू विल एंजॉय योरसेल्फ। चीयर्स। बच गए, कहाँ रह गई भावना?